हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सर्दियों के लिए बहुत ही खास रेसिपी बताने वाली हूँ जो नारियल तिल और मूंगफली से बने हुए हैं। सर्दियों में ये बहुत भरपूर मात्रा में एनर्जी भी देते हैं और प्रोटीन की मात्रा भी भरपूर होती है। तो चलिए अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 कप सफ़ेद तिल ले लिए हैं, वजन में ये 150 ग्राम हैं। इन्हें हम सबसे पहले रोस्ट कर लेते हैं, इन्हें लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है। ये हल्के से फूले फूले दिखने लगे और इसमें खुशबू आने लगे। सबसे पहले हम इसकी फ्लेम को हाई रखेंगे, फिर हम इसकी फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तिल फूले फूले दिखाई दे रहे हैं, ये रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक कटोरे में निकाल लेते हैं। याद रखें, तिल का कलर डार्क नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा चेंज दिखाई दे तभी हम इसकी गैस को ऑफ कर दें। अब हम 1 कप सूखा नारियल ले लेंगे, ग्रेट किया हुआ। वजन में ये 100 ग्राम है। इसे भी हम लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं, पर नारियल के बुरादे में इतना टेस्ट नहीं होता है जितना कि ये सूखे नारियल में टेस्ट होता है। गोले को भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा ये क्रिस्प हो जाए और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। तो ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं हमें लगातार चलाते हुए और ये गोला अच्छे से भुन भी चुका है, अच्छे से ये क्रिस्पी भी दिखाई दे रहा है, इसमें अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा ही चेंज हुआ है और ये क्रिस्प भी दिख रहा है। तो अब हम इसे उसी बाउल में निकाल लेते हैं जिसमें हमने तिल को रोस्ट करके निकाला था। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे इस तरह से मिलाते हुए चम्मच से। अब हम इन्हें मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा सा ठंडा हो गया है। याद रखें कि इसे बारीक नहीं पीसना है बिल्कुल, इसे थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है। तो ये देखिए ये हल्का सा दरदरा दिखाई दे रहा है। जो बचा हुआ भी मिक्सचर है वो उसे भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब हम ये लेंगे मूंगफली के दाने 1 कप, वजन में ये 150 ग्राम हैं। इन्हें भी हम दरदरा पीस लेते हैं। याद रखें कि सारी चीज़ों को हम दरदरा ही पीसेंगे। तो ये देखिए इनमें से कुछ मूंगफली के दाने भी दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से आप इसे ग्राइंड कर लें और मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें कुछ मीठा मिलाएंगे, तो इसके लिए लेंगे ये गुड़, 1 कप गुड़ है। इसको तोड़कर हमने ले लिया है और ये 1/2 कप गुड़ है। तो ये पूरे वजन में हो गया 350 ग्राम, टोटल मिलाकर ये 1.5 कप हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच पानी जिससे कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। गुड़ को लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए कुक करेंगे जिससे कि ये तली में चिपके ना। गुड़ मेल्ट हो गया है और थोड़े से झाग भी दिखाई दे रहे हैं। बस आप एक बात याद रखें कि इसकी आपको चाशनी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े से झाग आ जाएं और फिर इसकी फ्लेम को ऑफ कर दें। इसके बाद हम मिक्सचर में ये मेल्ट किया हुआ गुड़ मिला देते हैं, बीच में थोड़ा सा स्पेस कर लेंगे और ये गुड़ को इसमें मिला देते हैं। स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए हमने मिक्सचर को अच्छे से गुड़ में मिक्स कर लिया है। अब हम लड्डू बना लेते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हाथ पर घी लगा लेते हैं, देसी घी। घी का हमने पहले यूज नहीं करा था, पर थोड़ा सा हाथ पे लगाने के लिए यूज करा है क्योंकि आसानी से लड्डू बन जाएंगे। ये लड्डू आपको गरम गरम मिक्सचर में ही बनाने हैं, अगर ये ठंडा हो गया तो बाउल में ऐसे ही मिक्सचर जम जाएगा और आपके लड्डू बन नहीं पाएंगे। तो ये देखिए ऐसे ही सारे लड्डुओं को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ऐसे लड्डू आप कब बना रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये देखिए एनर्जी और प्रोटीन से भरपूर लड्डू तैयार हैं, इनकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। एक बार आप इन्हें बना लेंगे तो पूरे सर्दियों तक रखकर आप इसे खाएंगे और रोज़ाना 1 लड्डू आप अपने परिवार को खिलाएंगे तो उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, इसे बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लड्डू कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी बने हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूंगी एक और न्यू रेसिपी के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।